एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज ये ट्रेडिशनल वेयर हमने क्यों पहना है ये मैं आपको बताती हूँ। आज है देव का राइस सेरेमनी, जैसा कि टाइटल से आपको समझ में आ ही गया होगा। सो हम लोग रूज़वेल्ट पार्क में आए हैं। यहाँ से लेक में से कुछ थोड़ा सा पानी लेना है और उसके बाद जो भी रिचुअल्स होंगे बंगाली स्टाइल में ये राइस सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है, वो हम आपको साथ साथ में दिखाते रहेंगे। देव कौन है वो शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सतरूपा का बेटा है जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं देव से। अभी लास्ट टू लास्ट मदर्स डे पर मैंने जो ब्लॉग डाला था मदर्स डे का, उसमें देव भी था। सो होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और बंगाली स्टाइल में ये राइस सेरेमनी कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो आप इस वीडियो में देखिए और एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहना। हम लोग चल के जा रहे हैं लेक की तरफ। आ रही है सतरूपा सारी पूजा का सामान लेके। ये हमारी बाकी की फ्रेंड्स। सामने आप देख रहे हैं लेक है, यहाँ से पानी लेंगे और फिर क्या करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। गूस के कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो है उसकी मदर। तो अभी यहाँ लेक पर आके जो रिचुअल्स हम लोगों को करने हैं वो स्टार्ट कर चुकी है सतरूपा। पहले यहाँ पर लेक के वाटर में कुछ राइस और कुमकुम चढ़ाएंगे एंड देन बाकी का सामान जैसे कि फल फ्रूट जो भी लाए हैं हम लोग वो भी लेक में थोड़ा सा चढ़ाएंगे। और देखते जाइए धीरे धीरे साथ में सतरूपा सब करती जा रही है, आप लोग भी देखते जाइए। ये हमारे देव, बहुत धूप है आज, काफ़ी सनी डे है तो धूप थोड़ी तेज है। अभी दिया जला रहे हैं, दिया जला के फिर आरती करेंगे। वैसे जनरली नदी में जाते हैं, नदी का पानी लाते हैं इस रिचुअल के लिए, लेकिन यहाँ आसपास में न्यू जर्सी में नदी लाइक बहुत दूर है। हडसन रिवर करके एक है, वो बहुत दूर है। हम लोग एडिसन में रहते हैं तो यहाँ से हडसन रिवर तक जाना बहुत टफ हो जाता है और फिर गर्मी भी बहुत हो रही है तो देव बहुत छोटा है, बच्चे परेशान हो जाते हैं वैसे ही। सो हम लोगों ने यहाँ लेक में ही सोचा, ये जो भी नदी में करते हम लोग रिचुअल्स वो यहाँ लेक के पानी में कर देते हैं। कहते हैं ना अगर मन शुद्ध होता है तो हर जगह पवित्रता रहती है। सो अभी यहाँ पर आरती करती है, यहाँ की सारी पूजा पाठ हो चुकी है, अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं तो घर पे जाके बाकी की पूजा पाठ करेंगे। गुलमोहर यहाँ स्ट्रॉलर में बैठे हुए हैं। हो गई है, अब हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत सनी डे है सो गर्मी भी बहुत लग रही है सबको, ऊपर से साड़ी। सो बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी मैं घर जाके जो भी कुछ होने वाला है और पूजा है अगर तो वो भी आपको दिखाऊंगी। सो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में। घर आने के बाद अब हम करेंगे पेट पूजा। एक से डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है अभी, एक्चुअली डेढ़ बज चुका है और भूख बहुत तेज लगी है सबको। सो सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद में हम लोग बाकी के रिचुअल्स स्टार्ट करेंगे। Oh.
सो खाना खाने के बाद देव को नहलाने की तैयारी की जा रही है। अभी नहलाने से पहले इस रिचुअल में पहले उसको हल्दी लगाएंगे देव को, तो सारे एक एक करके हल्दी लगाकर और फिर टब में पानी डाला है और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स किया है, थोड़ा सा कलर मिक्स किया है, तो थोड़ा केसर और मिल्क बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली है टब के अंदर। सो जब ये हल्दी का रिचुअल फिनिश हो जाएगा देन फिर उसको टब में ऐसे फूल फूल डाल के उसको बांध देंगे। देव को तो पानी में एकदम मज़े आ गए हैं, देखो तो सही कितना खुश है ये यार, अच्छा लग रहा है इसको बहुत। आज देव के साथ साथ एक और बीबी का रिचुअल यहाँ पर सेलिब्रेट होगा जिसका नाम गुलमोहर है। अभी मैं आपको उसे मिलाऊंगी, साइड में ही बैठा हुआ है, ये है गुलमोहर। तो गुलमोहर और देव की ये राय सेरेमनी साथ में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग सेम एज के हैं, जस्ट 15 डेज का ही डिफरेंस है दोनों में। गुलमोहर देव से 15 दिन छोटे हैं एक्चुअली। तो देव हुए गुलमोहर के बड़े भैया। गुलमोहर को भी पानी में कितना मज़ा आ रहा है, मस्त एकदम खुश है वो भी। तो नहलाने के बाद इन दोनों प्यारे राजकुमारों को किया जाएगा तैयार इनकी राय सेरेमनी के लिए। तो आ गई है खाने की थाली अभी। सो ये देखो इतना सारा खाना खाएगा देव। खाना खिलाने से पहले देव को पहले ये जो थाली आप देख रहे हैं जिसमें पैन बुक एंड राइस थोड़ी सी मिट्टी घास ये सारा सामान एक थाली में रख दिया है और अब देव इसमें से जो भी टच करेगा ऐसे मान्यता है कि इन फ्यूचर वो वही बनेगा। तो लेट्स सी कि वो क्या टच करता है। हाँ अच्छे से ले रहे हैं, किताब देख रहा है, वो पेंसिल पकड़ रहा है।
अच्छा सभी चाहिए उसको, सब चाहिए। पैसे नहीं रखा है, ये बॉक्स ही बनेगा। अभी बॉक्स बनेगा, पैसे नहीं रखा। तो राइस सेरेमनी के बाद में अब हम देव को लेके आ गए हैं साईं दत्त टेम्पल, जो कि ओक ट्री रोड पर है। यहाँ पर देव को कराएंगे दर्शन, उसके बाद हम घर वापस जाएंगे। इस स्पेशल ओकेशन पर भगवान के दर्शन करना तो बहुत ही ज़रूरी थे। सो सारी पूजा पाठ के बाद में हमने यहाँ पे साईं मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया बाबा का। वो देखो पंडित जी कैसे पूजा कर रहे हैं, जाओ जाओ आप भी जाओ, आपको भी करेंगे। हाँ देंगे वो पंडित जी को। आज इसको मूड ही नहीं है खाने का। ये मम्मा ही कुकु मेलन मुझे खा रहे। अरे वाह यार, जादू है ये तो। अब शुरू तो ये ब्लॉग थर्सडे का ही कंटिन्यूशन है, क्योंकि थर्सडे को हमने बनाया था देव की राइस सेरेमनी का ब्लॉग और ये 2 डेज में हमने सेलिब्रेट किया है। तो काफ़ी सारा पार्ट वीडियो का थर्सडे को शूट कर लिया था, जो भी रिचुअल्स थे वो सारे थर्सडे को हो गए हैं। और आज सैटरडे सबका खाना पीना है, बाकी की जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी वो मुझे पता नहीं है। अगर कुछ आज भी रिचुअल्स होने हैं तो वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर में। कोई खींच ओके देखो आ गए हैं अभी हम लोग देव के घर, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये बहुत सुंदर डेकोरेशन जो कि किया है देव की मम्मा ने। पूरा घर ओनली 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 सतरूपा ने ही डेकोरेट किया है, इतनी मेहनत की है लड़की ने, बाप रे। मैं अभी आपको एक एक छोटा छोटा पार्ट भी दिखाऊंगी घर का। उससे पहले देव को किया जा रहा है रेडी, उसके पापा उसको शूज पहना रहे हैं और देव लग रहा है बिल्कुल राजा बाबू, बोले तो छोटा देवानंद। हेल कर रहा तुन्नी देवू, अरे रे देव। सो अभी कर रहे हैं हम देव का फोटोशूट, और ये है बाकी के घर का डेकोरेशन पार्ट
छोटी छोटी चीज़ों को कितने प्यार से जमाया है। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये डेकोरेशन पार्ट कैसा लगा। और ये है राइस सेरेमनी का केक। सो आज देव केक भी कट करेगा। सारे बच्चे केक को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं यार। ये हमने सेकेंड डे खाना जो ऑर्डर किया था वो आप सबको दिखा रही हूँ। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो आ जाओ हमारे साथ खाना खाने। यहाँ योगा और उसके पापा खेल रहे हैं गुरमोहर के साथ। क्यूट स्माइल ही है गुरमोहर, इज सो क्यूट। उनको छोटे बेबी बहुत पसंद है देव और गुलमोहर। उसे इतने अच्छे लग रहे हैं, वो कहीं देव के पास जाता है तो कहीं गुलमोहर के पास। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड वीडियो को खूब शेयर करना। आप सबका ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपका ये चैनल बहुत 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 सारा ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।